बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में गुरुवार को एक बैंक में बड़ी लूट हुई है। यहां पांच लुटेरे बैंक से 1,19,00,000 रुपए लेकर फरार हो गए। इस बड़ी वारदात के पास पुलिस अलर्ट पर है और बॉर्डर को सील कर दिया गया है। हाजीपुर के कंडपुरा इलाके में स्थित HDFC बैंक में ये लूट हुई है, जहां सुबह सुबह कुछ लुटेरे आए और बैंक से करोड़ों रुपए लूट कर ले गए। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का घर भी इसी बैंक के पास है, जहां वारदात हुई है। खबरों के मुताबिक सुबह करीब 10 बजे लुटेरे बैंक में पहुंचे और बैंक कर्मियों को हथियार दिखाकर धमकाया। यहां बैंक के कैश रूम से 1 करोड़ से अधिक की नकदी निकलवाई और बोरे में भरकर भाग गए। भागते हुए लुटेरों की तस्वीरें CCTV में कैद हुई हैं। लूट की खबर मिलते ही SP समेत पुलिस की बड़ी टीम बैंक पहुंच गई है और जांच की जा रही है। आसपास के जिलों में अलर्ट किया गया है, बॉर्डर को सील कर लिया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में बिहार में लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई है। लंबे वक्त से कोरोना की वजह से कारण सख्ती लागू थी, लेकिन अब बिहार के वैशाली से ये घटना सामने आई है, जिसने हड़कंप मचा दिया है। न्यूज़ डेस्क।